और आज मैं आपको एक सिंपल टिप्स देने वाली हूँ हाउ टू पोज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो ये पोजेस हम लोग यूजुअली सोचते हैं कि ओके आई डोंट लुक गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई डोंट नो हाउ टू पोज, आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो। तो ये बेसिक टिप्स विल हेल्प यू आउट वेन एवर यू स्टेपिंग आउट फॉर द फोटोग्राफी और एनीबडी इज क्लिकिंग योर्स। तो आजकल का ट्रेंड है कि मोस्ट ऑफ देम दे लाइक कैंडिड पिक्चर्स लाइक यू सीइंग समवेयर और मे बी इट माइट बी अ फेक वन और अ रियल वन। द फर्स्ट स्टेप है बाय होल्डिंग समथिंग इन योर हैंड्स। अगर जब भी आप पोज कर रहे हो मेक श्योर यू होल्ड समथिंग सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल, यू विल फील ओके देर इज समथिंग सो दैट आई कैन पोज बेटर। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास कुछ नहीं है सो आई बी थिंकिंग ओके हाउ टू पोज व्हेन समबडी इज क्लिकिंग पिक्चर, आई डोंट नो हाउ टू पोज। बट अगर आपके पास कोई प्रॉप है यूज अ प्रॉप नियर बाय अ ग्लास और वट एवर बर्गर डोनट वट एवर यू ईटिंग अ क्लच अ पेपर फोन और एनीथिंग। सो आई थिंक what can I use it? Okay, I have a headphone, so I'll show you how I can click it from that. So these are my headphones. So if you have it, just put it like and give some poses like up straight, tilt, look down, hold it. So you can give a lot of poses or you can just make sure your hands are moving. You can just अगर आपको कैंडिड पिक्चर्स अच्छे लगते हैं यू कैन जस्ट गिव सम फनी पोजेस लाइक ओके लाइक एनी काइंड ऑफ दिस काइंड। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है फ़ोन है तो फ़ोन से भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक यू आर लुकिंग इनटू द फ़ोन और लाइक टॉकिंग काइंड। पर जब आप ये सब दे रहे हो डोंट स्माइल मे बी बिकॉज इट माइट लुक फेक or something like typing, okay? And also if in case you have some purse, clutch, handbag, so I have this like makeup kit bag, so you can just hold it like this, or like this, like this. So just, and in sare poses mein ek main thing hai jo aapko याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ वेन एवर यू पोजिंग योर पॉस्चर हैज़ टू बी स्ट्रेट। यू नो ऐसा नहीं कि ढीला ढाला यू कैन जस्ट स्टैंड हाउ एवर यू वॉन्ट एंड गिव अ पोज। नो, जब भी आप पोज कर रहे हो मेक श्योर योर बैक इज कम्प्लीटली स्ट्रेट, ओके, एंड योर लेग्स आर कम्प्लीटली स्ट्रेट, क्योंकि यू आर गिविंग ऑल योर वेट ऑन योर लेग्स। तो जब भी आप पोज कर रहे हो चाहे वो बैठे हुए या खड़े हुए, यू हैव टू make sure your posture is completely straight. So whenever like I'm holding this bag, hold it, make sure everything is like straight but not too stiff. There's a difference between making it straight and stiff body. Stiff body doesn't look good, like aisa ho jayega, so it's not the right way. So when you're making it straight, it gives a nice look, doesn't it? Okay, so second method mein hai a fake laugh or a real laugh. So you can also like, we usually जब भी हम candid photo लेते हैं we always tend to give this smiling look. So if you don't get that real smile, just fake out your smile like okay hi anything like that, okay? So when you're faking out you tend to get a real laugh because when you're surrounded with your friends. So poses like okay. So next pose hai ki whenever you're standing, give a pose with your hands like keeping it somewhere, I mean inside the pocket like this if you have a pocket in your pants. So, and again of course your posture has to be really straight, not stiff. So you can give it like this, look around somewhere like up, down or sideways, anywhere. Okay, and again jab you're standing straight, ऐसा नहीं कि कंप्लीट स्ट्रेट खड़े हो जाओ, यू इफ यू आर स्पेशली अ गर्ल यू कैन जस्ट गिव अ टिल्ट, गिव अ कर्व, साइड कर्व नियर योर हिप्स। सो आई होप यू कैन सी इट लाइक दिस, एक साइड पूरा स्ट्रेट होना चाहिए और एक साइड थोड़ा सा कर्व दो तब जब अच्छा लगता है। एंड विदाउट होल्डिंग एनीथिंग यू कैन एक्चुअली गिव गुड पोजेस लाइक कीप योर हैंड स्ट्रेट और योर यू नो डोंट कीप योर फिंगर्स फोल्डेड, ऐसे मत रखो
ये सारे फोटोज़ में अच्छे नहीं लगते, तो व्हेन यू आर गिविंग इट गिव अ राइट पोज लाइक दिस और लाइक दिस. सो ऑल दिस आर वेरी सिंपल एंड यू कैन कीप चेंजिंग यू नो हैज टाइम गोज. आपको पता लग जाएगा कि आप फोटोज़ में कैसे लग रहे हो. You can make your own poses and you know it gives a good effect. The next pose is like naturally walking pose. I know most of you love these kind of poses, so you're just walking and tell your friends to click the pictures. So I mean like just walk around and look there, you know, these kind of candid pictures, it looks good. I know it might look little messy but it looks good. अगर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे पिक्चर्स है, सो यू नो जस्ट कीप वॉकिंग एंड टेल देम टू क्लिक इट फ्रॉम डिस्टेंस. द नेक्स्ट पोज इज सिटिंग पोजेस. तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं जब भी सिटिंग पोजेस होते, बट ये पोजेस भी बहुत से लोग ठीक नहीं करते हैं बिकॉज यू रिलैक्स टू मच व्हेन यू आर सिटिंग. अगर कोई फोटोज क्लिक कर रहा है यू विल बी लाइक अच्छा ले लो भाई एक फोटो ले लो. सो दिस इज नॉट योर पोज. इवन व्हेन यू आर लाइक रिलैक्सिंग यू हैव टू बी लाइक लिटिल यू नो स्ट्रेट. तो जस्ट स्ट्रेटन योर बॉडी एंड गिव अ गुड पोज लाइक दिस. ओके और एल्स अगर आपको बहुत ही कैजुअली कैंडिड पिक्चर्स देने हैं देन यू कैन जस्ट सिट लाइक नॉर्मली. ओके इन दिस ऑल्सो ओके जस्ट लाइक एज इफ आई एम वॉचिंग समथिंग जस्ट सिटिंग नॉर्मली ऑल दिस. बट इन सब पोजेस में यू हैव टू यू नो मेक श्योर योर बॉडी पॉस्चर इज स्ट्रेट अगेन. तो एंड मोरओवर लाइक जब भी आप पोज कर रहे हो नो योर एंगल. सिटिंग एंगल स्टैंडिंग एंगल अलग अलग होते हैं. अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेट एंगल अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर यू ऑलवेज टेक पिक्चर्स इन द स्ट्रेट एंगल इट्सेल्फ. क्योंकि मेरा भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं लेती हूँ आई डोंट लाइक माई साइड एंगल जैसे कि लाइक कम्प्लीट टूवर्ड्स लेफ्ट और कम्प्लीट टूवर्ड्स राइट. मैं ऐसे पिक्चर्स कभी ज़्यादा लेती नहीं हूँ. So it's always straight. So if you think your angle is also like straight is good, you can take. And बहुत से लोगों के तो सारे angles कभी अच्छे होते हैं. So you can give lot of poses like this. Sitting में तो बहुत poses दे सकते हो कुछ भी relaxing, but always make sure like you know एक बार आपको वो तड़का लग जाता है कि किस poses में आप actually अच्छे लगते हो उसके बाद आपको automatically पता चल जाएगा. तो give a lot of keep experimenting by yourself. तो आपको उसमें से पता चल जाएगा. Thank you so much guys for watching this. If you like the video, please give a thumbs up. Also subscribe to the channel and also comment on how did you like the video. Thank you so much.